गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द सेक्शन थर्ड चैप्टर डियर मम मीन्स मम्मी। दिस पोयम रिटन बाय ए चाइल्ड टू हिज मदर। एक छोटी सी पोयम जो एक बच्चे के द्वारा अपनी मॉम को मदर को लिखी गई है, इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर, एक पत्र के रूप में। इट डिस्क्राइब द काइंड ऑफ मिसचीवियस थिंग। ये हमें कुछ शरारती चीज़ों के बारे में बताती है। चिल्ड्रन डू व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, जब उनके माता पिता घर पर नहीं होते तो बच्चे क्या क्या करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बताती है। द चाइल्ड इन द पोएम इज नॉट ओनली नॉटी, इस पोएम के अंदर जो बच्चा है वो ना केवल शरारती है बट आल्सो वेरी क्लेवर। डू यू एग्री, देखो बहुत चतुर भी है, क्या आप इस बात से सहमत हो? तो पोएम रीड करने के बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके जो राइटर है, ब्रेन पेटन वाज बोर्न इन लिवरपूल इन 1946 में इसका बर्थ हुआ था। हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन वाज लिटिल जोनीज कॉन्फेशन 1967। इनका जो फर्स्ट सोलो कलेक्शन था लिटिल जोनी का, वो 1967 कॉन्फेशन में आया था। पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 21 ईयर ओल्ड, और जब ये 21 ईयर ओल्ड था तब जाके पब्लिश हुआ था। सिंस देन ही हैज़ पब्लिश न्यूमरस कलेक्शंस, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस पब्लिश किए, इंक्लूडिंग वेनिसिंग ट्रिक एंड आमडा विच इंक्लूड्स सम ऑफ हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग पोएम्स, कई पोएम्स के इसमें बताया गया है। फोकसिंग ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, अपनी मदर की डेथ के बारे में, एंड हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसके बचपन की यादों के बारे में। पैटर्न इज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज बेस्ट सेलिंग पोइट्री कलेक्शंस, और ये बहुत अच्छी पोएम कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है। फॉर चिल्ड्रन मोस्ट फेमसली गार्गलिंग विद जेली 1985, हिज कलेक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट, इन्होंने जो पोएम्स लिखे बच्चों के लिए और व्यस्क के लिए है। द ब्लू एंड ग्रीन आर एन एल्फाबेट फॉर प्लेनेट अर्थ बोन ए रोमेनली अवार्ड इन 2002। ब्रेन इज ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। नाउ वी विल रीड द चैप्टर। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी द स्मॉल पिक्चर्स लाइक वेस वाटर टैप, दिस वन वॉशिंग मशीन, एंड ये वी विल डिस्कस इन दिस पिक्चर्स इन दिस पोयम। देखो, डियर मॉम, वाइल यू आर आउट, डियर मम्मी, जब वर आउट मीन्स बाहर, जब आप कहीं घर से बाहर जाते हो, तो एक कप वेंट एंड ब्रोक इट सेल्फ। तो देखो कितनी शरारत भरी उसमें बच्चा बताता है। तो एक कप वेंट एंड ब्रोक इट सेल्फ, एक कप अपने आप आता है और टूट कर गिर जाता है। एंड ए क्रैक अपीयर इन द ब्लू वेस, और जैसे ब्लू वेस है इसके अंदर अपने आप क्रैक दरार आ जाती है। योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड ब्रॉट बैक फ्रॉम चाइना, तो ये जो वेस है इसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड हमारे दादाजी जो चाइना से लेके आए थे, इसके अंदर अपने आप एक दरार आ जाती है। सम हाउ, वो कभी कभी क्या होता है, विदाउट मी, मेरे बिना ही, इवन टर्निंग ऑन द टैप, जैसे वाटर टैप है मैं उसको ओपन भी नहीं करता हूँ, एंड ये अपने आप हो जाता है। द सिंक मिस्टीरियसली ओवरफ्लो, और ये जो सिंक है ये अपने आप ही ओवरफ्लो हो जाता है। वो ये कहना चाहता है कि मैं इसको ओपन नहीं करता और ये अपने आप नल खुल जाता है और सिंक ओवरफ्लो हो जाता है, पानी से भर जाता है। पता नहीं ये सब कैसे होता है। ए स्ट्रेंज जेम स्टेन अबाउट द साइज ऑफ ए बॉयज हैंड अपीयर्ड ऑन द किचन वॉल, फिर वो कहते हैं स्टेन जैम स्टेन, स्टेन मीन्स होता है धब्बा, कि फिर एक जैम का एक विचित्र धब्बा और एक बॉय के हैंड का, जैसे एक छोटे से बच्चे का हाथ का है
वो हमारी किचन की दीवार पर अपने आप अपीयर हो जाता है, छप जाता है। कहने का अर्थ है कि एक बॉय के हाथ का धब्बा और हमारी किचन की दीवार पर अपने आप लग जाता है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो जाता है। आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, वी विल एवर डिस्कवर, हम कभी इस चीज़ को खोज पाएंगे, एग्जैक्टली हाउ द कैट, या फिर जैसे बिल्कुल सही तरह से ये कैट ने ये सब किया है या किसने किया है, शायद हम इस बात की कभी भी जांच नहीं कर पाएंगे। मैनेज टू टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन स्पेसलिंग फ्रॉम द इनसाइड, और कभी कभी तो क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन है वो भी अंदर से शुरू हो जाती है, चल जाती है, स्पेशली फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से चल जाती है। आई डोंट नो हाउ दिस हैपन, फिर कहते और हाउ द सेल्फ रेजिंग फ्लोर, सेल्फ रेजिंग फ्लोर द फ्लोर दैट कंटेन्स बेकिंग पाउडर, जिसके ऊपर बेकिंग पाउडर रखा हुआ है, मैनेज टू सेल्फ रेज, वो अपने आप उड़ जाती है। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई वॉज स्केयर्ड, मैं बहुत डर गया था, वैन एज इफ बाय मैजिक, जब मुझे ये सब लगा ये सब मैजिक से या जादू से हो गया है, तो मोम मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ए सीरीज ऑफ मडी फुटप्रिंट, दीज आर द मडी प्रिंट, जब पैरों के निशान मिट्टी से लगातार आ गए, अपीयर्ड ऑन द न्यू वाइट कारपेट, जो न्यू वाइट कारपेट था उसके ऊपर अपने आप न्यू फुटप्रिंट, कीचड़ युक्त पाँव के निशान अपने आप आ गए, तो मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। आई वॉज बींग गुड ऑनेस्ट, मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार था, बट आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द हाउस इज़ हॉन्टेड, अब वो क्या कहता है कि हॉन्टेड, हॉन्टेड मीन्स होता है ऐसा बिलीव करना, टू बी विजिटेड बाय घोस्ट, जिसमें भूत प्रेत या आत्माओं का छाया हो, तो कहता है कि मोम अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस ये हाउस हॉन्टेड है और इसके अंदर किसी भूत प्रेत का छाया है। सो नोविंग, ये जानते हुए, यू आर गोइंग टू हैव फिट शॉर्ट पीरियड ऑफ एंग, कि कुछ समय के लिए आप जैसे बाहर जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये जो हाउस है ये हॉन्टेड है और मुझे डर लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है, आई हैव गॉन ओवर टू ग्रेनीज फॉर ए बिट, तो मैं भी कुछ समय के लिए ग्रेनी के घर पे कुछ समय के लिए चला जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी मॉम से एक लेटर लिखता है शिकायत के रूप में, और वो बहुत ही मिसचीवियस है, बहुत शरारती है, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि वो शरारती होने के साथ साथ बहुत ही क्लेवर भी है, है ना, सारी थिंग्स होती हैं और इनको हॉन्टेड बताता है कि किस तरह से सारी चीज़ें हो जाती हैं, वॉश बेसिन में क्रैक आ जाना, वॉश बेसिन का ओवरफ्लो हो जाना, मशीन का अंदर से अपने आप चल जाना, एंड किचन वॉल पे अपने आप बच्चे के हाथ का निशान आ जाना, एंड अपने आप ये चिन आ जाना, है ना, जिस तरह से फ्लोर का अपने आप ऊपर उठ जाना, तो दीज थिंग शोज दैट द हाउस इज हॉन्टेड अकॉर्डिंग टू दिस बॉय। तो डू यू थिंक, डू यू एग्री ही इज नॉटी और क्लेवर, ओके, टेल मी इन कमेंट। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर लाइक दिस वन। सो स्टूडेंट, अगेन रीड द पोएम केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।